हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। एमएस वर्ल्ड की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है पेज सेटअप, ठीक है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, लेआउट टैब में। लेआउट टैब में मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज, ये हम लोग पढ़ेंगे पेज सेटअप में, और कॉलम, ठीक है, ये चार चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। पेज सेटअप देखिए हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट एरिया की जो पेज साइज है, अगर कोई चीज कहा गया है आपसे ऑफिस में, कोई प्रिस्क्राइब चीज कही गई है, तो उसको आप पेज सेटअप से ही सही कर सकते हैं। जैसे मार्जिन, पेज कौन सा चाहिए, पेज का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए कि नहीं, ऐसी कुछ चीजें, ठीक है। आइए देखते हैं। मार्जिन में देखिए, जैसे क्लिक करेंगे ये नॉर्मल मार्जिन है, क्लिक किए ये नैरो है मार्जिन, और आपकी नैरो हो जाएगी पतली, ठीक है। ये मॉडरेट है, ये ठीक ठाक वाली है, ये वाइड है, ये देखिए मार्जिन और आपकी अंदर हो गई, पेज आपका पतला हो गया, लिखने वाला एरिया, ठीक है। ये मिरर्ड है, और ये ऑफिस 2003 की डिफॉल्ट है, ये 2003 एमएस ऑफिस में ये काम होती है। अगर मोर चाहिए तो आप कस्टम कर सकते हैं और वहाँ पे मार्जिन डाल सकते हैं, अगर आपसे कोई ऐसी मार्जिन कही गई है करने के लिए, साइज जो आपका इस सब प्रिस्क्राइब्ड वाले में नहीं दिया है, तो आप कहाँ से जाएंगे, कस्टम मार्जिन में जाके कस्टम कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए ओरिएंटेशन देखते हैं। ओरिएंटेशन में क्या है, पोर्ट्रेट मतलब पेज आपकी लंबाई में रहेगा, और लैंडस्केप देखिए पेज जो है हमारा क्या हो गया, चौड़ाई में हो गया, कंटेंट सब चौड़ाई में हो गए। तो अगर आपसे कहा जाता है कि आपको पेज ओरिजिनली आपको पोर्ट्रेट में ही मिलेगा जब आप ओपन करेंगे, पर अगर आपसे कहा जाए कि लैंडस्केप करिए तो आप लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। साइज, ठीक है, जब भी आप एमएस ऑफिस ओपन करेंगे आपका डिफॉल्ट साइज लेटर साइज ही पेज ओपन होगा। अगर आपसे चेंज कहा जाता है करने के लिए, तो आप चेंज कर सकते हैं जिसमें भी कहा जाए, जैसे लीगल पेज पे काम कर रहे हैं, कहीं कोर्ट में हैं आप लीगल पेज पे, तो लीगल, ठीक है, हम किस पे आ गए, लीगल पे आ गए, लीगल पे नहीं है, कहीं स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। देखिए ये स्टेटमेंट हो गया, पेज का साइज क्या हो गया, स्टेटमेंट वाला हो गया, ठीक है दोस्तों। साइज आ जाइए, A4 साइज में आ गए, जो नॉर्मली यूज होता है हर जगह, ठीक है। A3 है, A5 है, तो जो भी आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही, और अगर कोई ऐसा चीज ही दिया है मार्जिन का आपका, जो आपके इसमें नहीं दिया है बाय डिफॉल्ट वाले में, तो आप कहाँ जाएंगे, मोर पेपर साइज में जाएंगे, वहां पे आप प्रिस्क्राइब साइज डाल सकते हैं, ठीक है। आइए कॉलम क्या है, जो आपके लिखे हुए कंटेंट है उसको कॉलम में डिवाइड करना। आइए देखते हैं, जैसे कॉलम 1 2, तो देखिए ये कंटेंट हमारा इतना ज्यादा नहीं था कि दो कॉलम में आए, इसलिए एक ही कॉलम में आ गया, दूसरा कॉलम आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं कंटेंट को, ठीक है, क्या कर लेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, कंटेंट देखिए हमारा ज्यादा हो गया, अब इसको कॉलम में करते हैं। देखिए दो कॉलम में आ गया कंटेंट, और ये अब इसी तरह आप कितने में कर सकते हैं, तीन कॉलम में, लेफ्ट में राइट में, देखिए तीन कॉलम में हो गया। पर आपका देखिए कॉलम चेंज हो गया, पर उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास कंटेंट उतने होने चाहिए कि वो कॉलम में डिवाइड हो जाए, नहीं तो क्या होगा, सभी एक कॉलम में आ जाएगा और दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। आपको इस में दिए हुए कॉलम से ज़्यादा कॉलम करने, तो आप मोर कॉलम में जाइए, यहाँ से चूज करिए, यहाँ पे वो विड्थ और स्पेसिंग डालिए और ओके कर दीजिए, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग ने क्या सीख लिया, पेज सेटअप में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।